वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का क्वेश्चन आप ऑलरेडी देख चुके हैं थंबनेल में कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपका लक आपको कहाँ ले जा रहा है। जो कुछ अच्छा है वो तो अच्छा ही है, लेकिन जो कुछ अच्छा नहीं है उसे सुधारने का मौका हम ज़रूर दे सकते हैं अपने आप को। इससे हमारी लाइफ और भी ज़्यादा स्मूथ और हैप्पी हो सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है कि आपका भाग्य, आपका लक, आपकी किस्मत आपको किस ओर में ले जा रही है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर वो ये है कि आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको जहाँ ऑप्शंस एक्चुअली गाइड करने वाला नहीं है वहाँ ऑप्शंस मिल रहे हैं। हो सकता है ये करियर चॉइस हो, हो सकता है ये लाइफ पार्टनर की चॉइस हो। आपको लड़के दिखाए जा रहे हैं, लड़की दिखाई जा रही है, या आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आप में अभी तक वो मैच्योरिटी नहीं है कि आप डिसाइड कर सके, जिसकी वजह से आपके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन आ रहा है। 7 of Cups, आप मेंटली अभी रेडी नहीं है और आपको इतनी सारी चॉइसेस आ रही हैं जॉब रिलेटेड, कोई लड़का दिखाना या लड़की दिखाना मैरिज रिलेटेड, कि आपको बहुत सारे इश्यूज उसकी वजह से आ रहे हैं। आपके पास कोई सही गाइडेंस आपको देने वाला कोई इंसान इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है, और इतने ऑप्शंस होने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आ रहा आप करें तो क्या करें, कैसे इसको सिलेक्ट करें। तो इसके लिए बहुत सिंपल रास्ता है कि आप कोई भी समझदार इंसान से गाइडेंस लें, कोई समझदार व्यक्ति से बैठ के बात करें जो आपको ऑप्शंस को कंसिडर करने में हेल्प करे। फिर वो चाहे आपका जॉब रिलेटेड ऑप्शन है, अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, जो भी है, किसी सेंसिबल इंसान से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये दो कार्ड्स को देखकर दिख रहा है मुझे कई लोगों की लाइफ में कि आप किस्मत से, अपने आप से, अपने लोगों से किसी एक टॉपिक पे लड़ते लड़ते थक से गए हैं, बहुत थक गए हैं। इतनी फाइट आपको करनी पड़ी है कि उसका बर्डन उठा उठा कर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बहुत फाइट करनी पड़ी है आपको अपने किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए, अपने किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए। बहुत सारे प्रूफ्स देते देते, बहुत सारे सबूत देते देते अपनों को, गैरों को आप बुरी तरह से थक चुके हैं, और अब आपको चाहिए कि आपको सुकून की ज़िंदगी मिले। तो इसका सीधा जवाब मेरा यही रहेगा कि आप अब थोड़ा ब्रेक लें। खुद के लिए क्या सही है, खुद की हेल्थ के लिए, मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए क्या सही है उसको कंसिडर कीजिए, और उसे लड़ना छोड़ दीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं, आप कितना भी लड़ेंगे या उनको कितने भी प्रूफ्स देंगे अपने सही होने का, उन पे असर होने वाला नहीं है। तो आप सबको सबूत देना छोड़ दें, ये ऑप्शंस को कंसिडर करें कि जिससे आपको थोड़ी सहूलियत मिले लाइफ में। बहुत ज़्यादा आपने प्रूव किया, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को उनको साबित करने की कोशिश की है कि आप गलत नहीं हैं, आप उनका बेहतर ही चाहते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो आपके सबूतों से इन पर कोई असर नहीं होता। तो इनको सबूत देना आप छोड़ दें। मैं यही कहूँगी कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत लड़ते लड़ते सबूत देते देते थक गए हैं, लेकिन आपसे बार बार और सबूत मांगे जाते हैं और अपने आप को प्रूव करने को कहा जाता है, तो क्यों आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जितना आपने किया उतना काफ़ी है, उसमें कोई समझे तो समझे, नहीं समझे तो उनको गुड बाय कीजिए और आप अपने दूसरे ऑप्शंस को कंसिडर कीजिए। कुछ लोगों को ये इश्यू है जो मैं देख पा रही हूँ कि उनको ये समझ नहीं आता कि वो अपनी बात कैसे कहें। उनके मन में कहने को बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कहना और करना चाहते हैं। तीनों स्वॉर्ड्स आए आप देख रहे हैं, पूरी रो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 of Swords। आपके मन में कुछ ऐसे इश्यूज है कि आप बहुत कुछ किसी को कहना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके कोई पर्सन हो, लव पार्टनर हो, हो सकता है आपके बॉस हो, आपका कोई कलीग हो, कोई दोस्त हो, जिसको आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं जो आपने बहुत टाइम से नहीं कहा है। आपको लगता है ये कह देने से आपके मन का जो एक
आप जो व्यथित हैं, आप जो परेशान हैं किसी बात को लेके, आप शेयर करना चाहते हैं अपने किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए, आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसे आप बहुत वैल्यू करते हैं लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं आप खुलकर कह दें, आपको घबराहट हो रही है ये सोचकर कि आपके कहने से कहीं जो बना बनाया एक रिश्ता है वो बिगड़ ना जाए, लेकिन हालात ऐसे हैं आप कहें तो भी प्रॉब्लम है, आप चुप रहें तो भी प्रॉब्लम है, और ये बात आपको बुरी तरह से इस वक्त खटक रही है, आपको परेशान करके रखा है, आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो मेरा आप टेक यही रहेगा इस इश्यू पे, जो इस इश्यू को फेस कर रहे हैं इस रीडिंग में, कि आप खुलकर अपने दिल की बात कह दें। देखो जब आप कहते हैं जो होना है होगा, आप नहीं कहते तो भी कोई भला तो हो नहीं रहा आपका, आप परेशानी में हैं, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत टेंशन में हैं, कुछ है जो आप कहना चाहते हैं, आपको लगता है कहने से शायद संभल जाए, तो एक ऑप्शन तो है कि अगर आप कह देंगे या तो संभल जाएगा या खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं कहेंगे तो पक्का है कि ये रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो आपके दिल में जो भी बात है आप ज़रूर से कह दें, खुलकर ये बात को डिस्कस कर लें आपको जिससे भी ये बात डिस्कस करनी है। तो अब मैं ये कार्ड्स को यहाँ से हटा रही हूँ और नेक्स्ट कार्ड्स ले रही हूँ ताकि यहाँ स्पेस रहे। माय गॉड, अब ये पाइल में जो मुझे दिख रहा है, आपको अपने किसी जॉब रिलेटेड इश्यू से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको ये तो कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत माहिर हैं अपने काम में, लेकिन आपको फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ में। हो सकता है ये आपकी वर्क प्लेस का कोई प्रॉब्लम हो सकता है किसी ने आपसे लोन लिया है या आपने किसी से लोन लिया है, उसको पे करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि आपको पता है कि आप कर तो देंगे क्योंकि आपको अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, लेकिन इस वक्त आपको परेशानी है कोई फाइनेंशियल इश्यू की। बहुत क्लियरली मुझे ये दिख रहा है आपके दोनों ये रिकॉर्ड्स में कि आपको ये तो भरोसा है, आप देर सवेर दे तो देंगे, अगर आपने लोन ली है तो आप लोन पे कर देंगे, आपने किसी को लोन दी है तो आप ले भी लेंगे, लेकिन शायद रिलेशनशिप इस तरह के हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कुछ केसेस में कि आप कैसे मांगे क्या करें। तो इसमें शर्माने की या घबराने की कोई बात नहीं, आपने जिसको भी जो दिया है, लोन दिया है, अगर लोन लिया है तो आपको पे करना ही है, अगर किसी को दिया है और आपको मांगने में शर्म आ रही है तो वो शर्म तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बढ़ाने से अच्छा है कि आप क्लियरली पोलाइटली साफ शब्दों में इस पर्सन को मैसेज भेजकर अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। और अगर लोन चुकाने की बात है तो आपका कॉन्फिडेंस तो है ही, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी आया है कि आपको अपने काबिलियत पे कॉन्फिडेंस है, लेकिन हो सकता है आपको परेशानी दी जा रही है सामने वाली पार्टी से जल्दी जल्दी चुकाने की, तो उनसे मोहलत मांगिए, वक्त मांगिए और कोशिश कीजिए ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी आपका सॉल्व हो जाए। ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ये तो मैनेज हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स में कि कई लोगों को बहुत सारे इमोशनल इश्यूज इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारे इमोशनल इश्यूज से आप जूझ रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कब सब सही होगा, लाइफ कुछ सही दिशा में नहीं जा रही, बहुत परेशानियां हैं, कब अच्छा वक्त आएगा, ये सारी परेशानियां आपको तंग कर रही हैं। होता भी है ये जो है इमोशनल इश्यूज, इनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इंसान बेसिकली बना ही इमोशंस से है, शरीर से ज़्यादा इंसान बना है अपने इमोशंस से। तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स है और उसकी वजह से शायद वो हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहे और वो उस वक्त की राह देख रहे हैं कि कब ये इमोशनल इश्यूज ख़त्म होंगे। तो डेफिनेटली ख़त्म होंगे, आपका जो ये कार्ड आया है इसके बाद ये दिखा रहा है कि आपकी जीत होने वाली है, आपके ये इमोशंस के जो प्रॉब्लम्स है ये ख़त्म होने वाले हैं, बस थोड़े ही बहुत आपको समझदारी से काम लेना है, अपने ऊपर वर्क करना है। हर वक्त दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं ये सोचने के बजाय मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस पर भी गौर कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। कॉन्स्टेंटली दूसरों के बारे में जब आप सोचते रहेंगे, उनकी हैप्पीनेस के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में, और अपने आप को निग्लेक्ट करेंगे तो आपको ये इश्यूज़ तो आने ही वाले हैं। तो टाइम है कि अब आपको अपने ऊपर गौर करना है, आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आपको उस पर गौर करना है। तो अपने आप ये जो आप सोच रहे ना कि कब ख़त्म होगा ये सब,
ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जल्द ही जीत पालेंगे अपने ये सारे इश्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये क्विक शॉर्ट और स्वीट रीडिंग था ऑन वेयर द लक इज टेकिंग यू राइट नाउ, वेयर योर डेस्टिनी इज टेकिंग यू राइट नाउ। तो इश्यूज़ तो हर किसी की लाइफ में होते हैं। इंसान फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब, एक माँ के पेट से लेकर कब्र तक इंसान को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे वो जूझता है, जिससे वो लड़ता है और विजयी होकर उसमें से बाहर निकलता है। और लाइफ एक जो उसकी हैप्पीनेस है ना लाइफ की, वो इंटरवल की तरह है, आती है जाती है, सुख दुख दोनों आते हैं और जाते हैं। सिर्फ सुख ही सुख हो, सिर्फ दुख ही दुख हो, ऐसा लाइफ में होता ही नहीं है। हर साइकिल से आपको निकलना होता है। तो सक्सेसफुली इसमें से बाहर आइए, अपने भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को आप, मैं ये नहीं कह सकती आप पूरी तरह बदल सकते हैं, लेकिन उसको संवार ज़रूर सकते हैं। तो संवारिए, इतनी अक्ल हमको भगवान ने दी होती है, इतनी एक सेंसिबिलिटी गॉड ने हमको दी होती है कि हम इसको सेंसिबली पार लगा सकें। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, योर फ्रेंड आरजे मधुरा, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।